ग्राम सभा ग्राम सभा ग्राम सभा ग्राम सभा। अरे ये ग्राम सभा है, अपनों की सभा है, सपनों की सभा है, अरे ये ग्राम सभा है। स्वशासन का आधार यही है, खुशियों का संसार यही है, ये ग्राम सभा है, अरे ये ग्राम सभा है। निर्णय में हुई भागीदारी, समझी हमने जिम्मेदारी, आगे हमको अब जाना है, विकास का परचम लहराना है। अरे ये ग्राम सभा है, अपनों की सभा है, सपनों की सभा है, अरे ये ग्राम सभा है। ग्रामीण भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। ग्राम पंचायतों के जरिए आम आदमी भी सत्ता में भागीदार हो सकता है और हो रहा है। वैसे भारतीय समाज में पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक, महाभारत, रामायण, मुगल और ब्रिटिश काल में अलग अलग रूपों में पंचायतें मौजूद रही हैं। लेकिन वास्तव में संविधान के 73वें संशोधन ने शासन की प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया। इस संशोधन के तहत पंचायतों का ग्राम पंचायत व अन्य स्तर पर गठन किया गया और सभी स्तरों पर सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव भी सुनिश्चित किया गया। यानी ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की बुनियाद बताया गया है। लेकिन ग्राम सभा क्या है, कौन लोग इसके सदस्य होते हैं और इसकी बैठकों का आयोजन किस तरह किया जाता है? एक आम सभा है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाला हर वो व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा के फैसलों की बुनियाद ग्राम सभा के सदस्यों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर ही निर्भर होती है। संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243A में साफ तौर पर कहा गया है, ग्राम सभा अपने स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य के विधानमंडल द्वारा उपबंधित यानी तय किए जाएंगे। यानी ग्राम सभा को कितने कार्य व शक्ति प्रदान की जाए ये राज्य विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर है। दोस्तों, ग्राम सभा के वित्त वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होनी चाहिए, यानी हर तिमाही में एक बैठक। ये बैठकें कब होनी चाहिए, इस मामले में पंचायती राज मंत्रालय ने समय समय पर सुझाव और दिशा निर्देश दिए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा की बैठकों के लिए शुरुआती दौर में 4 तारीखें तय की थीं, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। लेकिन कई कारणों से इन तारीखों पर ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अधिकारियों के लिए बैठकों में शामिल होना संभव नहीं हो पाता, लिहाजा पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा की बैठकों के लिए तारीखों की नई सूची जारी की है। एक वित्तीय वर्ष में अप्रैल या मई में योजनाओं की स्वीकृति, बजट, खर्चे, काम और लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित मुद्दों पर बैठक हो सकती है। जुलाई या अगस्त में पौष्टिकता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मील, आंगनवाड़ी केंद्र, कृषि, बागवानी, मछली पालन, पशु संसाधन जैसे मामलों पर चर्चा के लिए बैठक की जा सकती है। अक्टूबर या नवंबर में स्वास्थ्य, निकासी, पीने का पानी, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, महिला ग्राम सभा जैसे विषयों के लिए बैठक का आयोजन किया जा सकता है। और जनवरी या फरवरी में फसलों की योजना, सिंचाई, बागवानी, वाटरशेड, भू सुधार, ऋण, डेयरी और ग्रामीण उद्योग जैसे मुद्दों पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। तो दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक की तारीखें भी तय हो गईं। आप सोच रहे होंगे कि इन बैठकों की सूचना आम लोगों तक कैसे पहुँचती है, तो आइए खुद ही देख लीजिए। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार को ग्राम सभा की बैठक होने जा रही है। सभी भाई बहन बैठक में अवश्य हिस्सा लें।
पंचायती राज मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पहले गांव के सभी लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। ये सूचना डुगडुगी बजाकर लाउडस्पीकर से और ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट पर नोटिस चिपकाकर, सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस चिपकाकर, स्व सहायता समूहों के जरिए या अन्य माध्यमों से आम जनता को दी जाती है। ग्राम सभा की बैठक में कोरम का पूरा होना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ग्राम सभा की बैठक में नियमानुसार लोग शामिल होने चाहिए। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं की उपस्थिति भी बहुत जरूरी है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच यानी मुखिया करता है। तो चलिए देखते हैं कि ग्राम सभा की बैठक में क्या क्या और कैसे कैसे होता है। लगता है कोरम पूरा हो गया है। कोरम पूरा हो जाने पर ही ग्राम सभा की कार्यवाही शुरू की जाती है। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा की हर बैठक की वीडियोग्राफी की भी सिफारिश की है, ताकि इनमें उठाए जाने वाले संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दों की रिकॉर्डिंग मौजूद रहे। इस वीडियोग्राफी पर खर्च होने वाला पैसा राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना राशि में से भी खर्च किया जा सकता है। ग्राम सभा की बैठक में पिछला जो लेखा जोखा है वो आप सबको समझाई दिया है, और आगे विकास कार्य जो होंगे उनके बारे में सोचेंगे, और जो भाई अगर कोई सलाह देना चाहे विकास के बारे में उस पर विचार करेंगे। हाँ बोलिए 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 बोलिए। गांव में पानी की बहुत समस्या है जी, पहले हेडपंप लगाया वो खराब हो चुका, अब नया लगना चाहिए। हाँ जी सरपंच साहब, पानी की बड़ी गहरी समस्या है, हमारे नल हैंडपंप जो है वे सही किए जाएं, जिससे गांव पानी की व्यवस्था का समाधान हो सके। सरपंच जी गांव में पानी भर जाता है, चौकर दो के वहाँ को निकासी जरूर करनी चाहिए। हाँ सरपंच जी, पानी की बड़ी समस्या है, इसकी तो निकासी जरूर करवाई जाओ। बिल्कुल करवाएंगे भाई, सेक्शन आप नोट करो ये बात, और भाई और कोई समस्या हो तो बताओ गाँव के लिए। तो दोस्तों, ग्राम सभा ही वो मंच है जहाँ आप अपनी समस्याओं का हल और विकास के रास्ते ढूंढ सकते हैं। ग्राम सभाओं में गांव के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने से जुड़े तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं। पीने का स्वच्छ पानी, निकासी की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, गांव में साफ सफाई का बंदोबस्त, शौचालयों का निर्माण और महिलाओं से जुड़े मुद्दे, पौष्टिकता और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, प्राथमिक शिक्षा, कृषि, रोजगार और टीकाकरण से जुड़े मुद्दे इसी मंच पर उठाए जाते हैं, और गांवों में होने वाले बदलाव ये बता रहे हैं कि ग्राम सभा ही गांव के लोगों की आशाओं और उम्मीदों पर खरी उतर रही है, और इससे पंचायतों की जवाबदेही बढ़ रही है। दोस्तों, ग्राम सभा का काम केवल मुद्दे उठाना, योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करवाने तक ही सीमित नहीं है। मनरेगा और इंदिरा आवास योजनाओं का लाभ किन्हें मिलेगा, इसका फैसला भी ग्राम सभा ही करती है। ग्राम सभा के सदस्यों, मनरेगा और इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की सूची वार्ड सभाओं ने हमारे पास भेज दी है, और इसमें मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है। क्यों सरपंच साहब? बिल्कुल ठीक बात है, फिर भी अगर किसी भाई ने कोई बात और रखनी है तो रख सकते हो। सरपंच साहब, पिछले साल मेरा बीपीएल लिस्ट में नाम था, और अब की बार मैं इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाना चाहता हूँ, क्या अब की बार मेरा इस लिस्ट में नाम आ सकता है? सरपंच जी, मुझे मनरेगा के तहत कुछ काम मिल सकता है? मेरे घर के हालात तो आप जानते हो, मेरे घर की हालात बहुत खराब है, मेरे घर में बहुत लोग बीमार पड़े हैं, कुछ काम मिल जाएगा? ये तो ग्राम सभा तय करेगी, और आप सब लोग बताइए इन दोनों का लाभार्थी सूची में नाम दर्ज कर दिया जाए, हाथ खड़े करके बताइए। आप सब लोग राजी हैं तो मैं इन दोनों के नाम इस सूची में लिख लेता हूँ, एक का नाम गोपाल है और एक है तेजराम। दोस्तों, ग्राम सभा में लाभार्थियों के चयन में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी बरती जाती है, ताकि इस संस्था के प्रति आम लोगों में विश्वास पैदा हो, और ग्राम सभा ही सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण का काम भी करती है। सोशल ऑडिट का अर्थ है यह देखना कि विकास के कार्यों में खर्च हुए धन का सही तरीके से उपयोग हुआ भी है या नहीं, और इसका स्थानीय विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। वास्तव में ग्राम सभा द्वारा किया जाने वाला सोशल ऑडिट गांव के विकास की तस्वीर को शीशे की तरह साफ करता है। सोशल ऑडिट के लिए ग्राम सभा की जो बैठक बुलाई जाती है, उसके लिए भी बाकायदा गांव में मुनादी कराई जाती है।
सभी गांव वालों को सूचना दी जाती है कि रविवार को ग्राम सभा की सोशल ऑडिट की बैठक होने जा रही है, सभी गांव वासी इसमें शामिल हो। ऑडिट समिति की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और आप लोग इसकी जांच कर सकते हैं। लो, सोशल ऑडिट के लिए ग्राम सभा एक सोशल ऑडिट समिति का चयन करती है। ये चयन ग्राम सभा के सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। इस समिति के कुछ सदस्य होते हैं। ये समिति जिस भी कार्यक्रम या योजना का सोशल ऑडिट करना चाहती है उससे संबंधित सभी सूचनाएं और दस्तावेज इकट्ठा करती है। उन दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जाती है और उनका मिलान किए गए कार्यों एवं लोगों के अनुभवों व विचारों के साथ किया जाता है। इसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे ग्राम सभा के समक्ष रखा जाता है। मूल रूप से सोशल ऑडिट वित्तीय लेन देन की शुद्धता को जांचने के लिए किया जाता है, यानी योजनाओं का क्रियान्वयन सही प्रकार से हो रहा है या नहीं। आसान शब्दों में इसी छानबीन को सोशल ऑडिट कहा जाता है। ये सोशल ऑडिट एक बार फिर ग्राम सभा के सशक्त होने को साबित करता है। ग्राम सभा की सक्रियता ही ग्राम सभा को सशक्त बनाती है और सशक्त ग्राम सभा गांव और समाज के विकास की नींव रखती है। ग्राम सभा गांव के विकास के मुद्दे तो उठाती ही है, साथ ही वो उन सामाजिक और गंभीर मुद्दों को भी उठाती है जो किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक साबित होते हैं। देखो भाइयों, बहनों, ग्रामवासियों, एनंदिति अब कुछ समझाएगी, आप लोग ध्यान से सुनना। ग्रामवासियों, मैं देख रही हूँ कि गांव की महिलाएं टीकाकरण को अनदेखा कर रही हैं। इसका परिणाम यह है कि वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह गंभीर मामला है। मैं चाहती हूँ प्रसव के दौरान गर्भवती कोई मौत के मुँह में न जाए। मैं चाहती हूँ कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। मुझे आशा है कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी और अपने बच्चे का टीकाकरण कराने के लिए स्वयं आगे आएंगी। दोस्तों, ग्राम सभा ही वो मंच है जहाँ आप लैंगिक समानता और कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों को उठा सकते हैं। इसके अलावा भी ग्राम सभा की बैठकों में अनेक संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय ने अनेक ऐसे मुद्दे सुझाए हैं जिन पर ग्राम सभा की बैठकों में न केवल चर्चा की जानी चाहिए बल्कि इन मुद्दों को हल करने का भी अपने स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, विकास के दीर्घकालीन लक्ष्य क्या हों, कैसे युवा वर्ग को नशे जैसी प्रवृत्तियों से दूर रखा जा सकता है, इन पर ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा होनी चाहिए। साथ ही कृषि की नई किस्में, सिंचाई की नई नई तकनीकें, आय बढ़ाने के नए नए अवसरों, सूखे और बाढ़ के प्रबंधन में ग्रामवासियों की क्या भूमिका हो सकती है, इन पर भी ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा जरूरी है। ये ग्राम सभा ही है जहां बुनियादी ढांचे के विकास और जल संरक्षण जैसे मुद्दों को उठाया जा सकता है और इन समस्याओं के समाधान के रास्ते तलाशे जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी ग्राम सभाएं हैं जिन्होंने न केवल इन गंभीर मुद्दों को उठाया है बल्कि उन पर काम भी किया है और इसके सुखद परिणाम भी देखने में आए हैं। दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर कुछ चुनी गई पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल उन्हें राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाता है। आज देश में लाखों ग्राम पंचायतें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपने और अपने गांव के विकास के लिए आवाज उठा सके। जैसे जैसे ये आवाज बुलंद होगी, ग्राम सभा के हर सदस्य की भागीदारी बढ़ेगी, ग्राम सभाएं सशक्त होंगी। ग्राम सभाओं का सशक्त होना ही सही अर्थों में स्वशासन की अवधारणा को व्यावहारिक रूप दे पाएगा और पंचायतों की जवाबदेही तभी तय हो पाएगी और तब महात्मा गांधी का वो सपना पूरा होगा जिसमें उन्होंने कहा था, विकास का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक वो गांव में खड़े अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे, तभी हमारा देश सुराज की ओर अग्रसर होगा।